लिकोरिया सफ़ेद पानी, यह आमतौर पर लेडीज़ों को पाया जाता है। ये प्रॉब्लम हर एज की उम्र में हो सकता है, कम उम्र वालों को ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज, वाइट पानी की प्रॉब्लम, और इससे बॉडी में वीकनेस आने लगती है, जिस्म में कमजोरी आने लगती है, यहाँ तक के कमर में दर्द रहने लगता है, फिर ज्वाइंट में दर्द, घुटनों में दर्द, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी बॉडी में होने लगती है, और ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाने के बाद चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये हमने लेडीज़ों के लिए तैयार किया है लिकोरिया सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज, लिकोरिया टैबलेट। दोपहर खाने से एक घंटे पहले, रात खाने से एक घंटे पहले, ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो दो रात को सोने से पहले ले लें दूध से या पानी से। परहेज एक ही है, नींबू अचार खट्टी चीज़ें ना लें, माइंड फ्रेश रखें और फ़ायदा होगा। ये तो लिकोरिया के लिए है, लेडीज़ों के लिए वाइट डिस्चार्ज, वाइट पानी की प्रॉब्लम, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में, वीकनेस आ जाती है, उसके लिए फिर एक अलग है माजून, ZAM के नाम से हमने लॉन्च की है, जिसको क्वीन वन लेडीज जेंट्स दोनों लेते हैं। वो खाने में बहुत टेस्टी है, ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट खा रहे हैं, उससे ताकत आती है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है लिकोरिया की, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम सॉल्व, लिकोरिया सफ़ेद पानी की शिकायत ख़त्म होती है। इसमें क्या क्या हमने डाल के बनाया है वो पूरी डिटेल हमने दे दी है, टोटल A to Z, और इधर प्राइस इसका टोटल, तमाम लाइसेंस जितने इस लाइन के होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तमाम हमने हासिल किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, जी जनाब, अल्लाह का फजल है, इनकम टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, GST नंबर भी है, करंट अकाउंट भी है, और तमाम लाइसेंस हासिल कर रखे हैं, लीगल काम है। ये हमारा पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने से, बड़ों से सिलसिला चला आ रहा है हिकमत का, तकरीबन 900 साल तो पुराने पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली 6 के रहने वाले हैं हम लोग। जब चंगेज खान इंडिया आए तो उस दौर के रहने वाले लोग हैं, मुग़ल बादशाह को आए हुए इंडिया में तकरीबन 500 साल हुए, हमें 900 साल हो गए। कदीमी बड़ों से सिलसिला चला आ रहा है हिकमत का, दवाइयों का। सच तो ये है, हकीम अल्लाह है, अल्लाह के 99 नामों में, 99 नामों में एक नाम है हकीम, हकीम अल्लाह है। हम तो हकीम के बंदे हैं, हकीम के गुलाम हैं, करने वाला अल्लाह है, अल्लाह से होता है, हमसे कुछ नहीं होता, ना हमसे होगा ना हमारी दवाइयों से होगा, करने वाला एक अल्लाह है। एक अल्लाह की ताकत को तस्लीम कर ले, तमाम दुनिया के बसने वाले इंसान कामयाब कर देगा अल्लाह, दुनिया में भी आखरत में भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी मिलेगी। अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह को अल्लाह जाने, अल्लाह के अहकामात अपना ले, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं, प्यारे नबी की मुबारक सुन्नतें, प्यारे नबी के मुकद्दस तरीक़े ये हमारी लाइफ में आ जाएं, हमारी ज़िंदगियों में आ जाएं, ताकि
हमें दिलों का चैन और सुकून मिल जाए, दिमाग का सुकून मिल जाए, चेहरे का नूर अल्लाह अदा फरमाता है और शफक़त की दौलत से मालामाल अल्लाह फरमाता है, दुआओं में कबूलियत पैदा फरमाता है अल्लाह ताला, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत पैदा फरमाता है, करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाता है, अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाता है जो अल्लाह के अहकामात पूरे करते हैं, प्यारे नबी के तरीक़े अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और दीन की मेहनत में लग जाते हैं। नियतें करें, जब तलक दुनिया में ज़िंदा रहेंगे तो दीन की मेहनत करेंगे ताकि दीन हमारी ज़िंदगियों में भी बाकी रहे और हमारा खात्मा ईमान पे हो और रहती दुनिया तक दीन की फिजाएं कायम हो जाए, बेदीनी छट जाए, मिट जाए, ख़त्म हो जाए। यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे हर ईमान वाले ईमान की मेहनत में लग जाए, आखरत की तैयारी करने वाले बन जाए, अल्लाह कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हाफिज़।